आप जमाल की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, आई एम टॉकिंग अबाउट परिवश जमाल। वैसे ये बताएं, ये सारा कुछ अंदर मिलेगा ना? जी जी, बिल्कुल, सारी चीजें अंदर होंगी अवेलेबल। आपने अपना घर बनवा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ फौज ने दे दिया है और ऊपर जन्नत अल्लाह ताला दे देगा। That's what I heard from my dad too. He used to say Pakistanis are so hospitable. He trained from PMA. चलो फिर, अपना ख्याल रखना। पक्का रखूंगी। ठीक है, घर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने सुना कि पीएमए में बेस्ट फैसिलिटीज है यहाँ पे। अपने बारे में अपडेट करते रहना। वो नहीं कर सकूंगी, फोन तो लेके रख लेना इन्होंने। किसी चीज की भी जरूरत हो तो हम जस्ट अ कॉल अवे। आने ही नहीं देंगे ये लोग। पहले 6 हफ्ते के लिए टेंशन मत लेना, ठीक है? किसी काबिल तो होऊंगा मैं, कुछ तो कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो, जस्ट प्रे। किस चीज के लिए? कि मैं बेस्ट कैडेट के तौर पे पास हो जाऊं। जो फौज के लिए अच्छा हो वही हो। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। गुड हाफिज। बस बेटा, अब आपने हमारी बेटी सिद्रा का बहुत ख्याल रखना है। जी जी आंटी, ज़रूर। ब्रेकफास्ट के मामले में ना मेरी बेटी बड़ी चूजी है, अगर चॉइसेस ना हो तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे पास बहुत वैरायटी है। अच्छा, गुड गुड। हमारे ख़ानदान और हमारे इलाके में ये पहली लड़की है जो फौज में आई है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन है तो बच्ची ना। आप लोग एक मेहरबानी करें, बस कोई सख्त काम मत करवाएं। बिल्कुल भी नहीं, सख्त काम क्यों करवाने? हाँ, वैसे बता रहे थे कि फौज में लड़कियों से सख्त काम नहीं करवाते हैं, पीएमए वाले बहुत आराम से रखते हैं। बहुत आराम से उनको। नींद के बारे में मेरी बेटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अगर उसको 10 घंटे भी सोना हो वो आराम से सो सकती है। जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी बेटी का जब दिल चाहे सो लिया करे। ओह दैट्स वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। साहब, बहुत जल्दी उदास हो जाती है हमारी बेटी, इधर छुट्टी का कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं जमा साहब, छुट्टी का कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी जब चाहे जा सकती है। हेलो, मैं माजबीन के मंगेतर। ओ अच्छा, समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जा रही है फौज में। उसको आ रही होगी। हाँ जी, बट स्टिल। आपको किस बात की टेंशन है? लॉयर है वो, मुझे तो डर लगता है वो कोई उल्टा सीधा ना कर दे पीएमए में, एमी केस हो जाएगा। कोई केस बनेगा तो शी विल गेट इट सॉर्टेड। आपने ही तो कहा वो लॉयर है। आप चाय पिए, पीएमए की रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छी है। हाँ बस वो तारीफ करी थी माजविन की। नहीं, यहाँ खाने पीने का कोई मसला नहीं होता, यहाँ सब कुछ मिलता है, बल्कि कैडेट्स तो बहुत खुश होते हैं यहाँ के खाने से। हाँ तो वो मैंने देखा भी है ना, इतनी वैरायटी है हर चीज की, और बेकरी की इतनी वैरायटी है। हाँ बेटा, हमारी बेटी को बेकरी की चीजें बहुत पसंद है, उनके बगैर तो ये रह नहीं सकती। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी, यहाँ सब कुछ मिलेगा। थैंक यू बेटा। ये सारा सामान आपका है मैडम? जी। ये सारा कहाँ रखेंगी? जहाँ मैं रहूँगी वही रखूँगी। इतना ज़्यादा सामान साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सूटकेस ले जा सकती हैं। आप सारा सामान 2 सूटकेस में रखें और बाकी घर वालों को दें। आपका कूल आई है मैडम, लंदन नहीं। आज अपनी बेटी को पीएमए में देखकर बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हो,
मुझे भी आज पहली बार लगा जैसे मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ अकम्पलिश किया है। काकुल का इतना टफ कंपटीशन में अगर वो सिलेक्ट हो सकती है ना हो सकता है एक दिन वो जनरल बन जाए। हो भी सकता है। ब्रिगेडियर तक तो जाएगी, इसमें तो किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। अगर वो कह रही है ना कि उसने जनरल बनना है तो फिर वो बनेगी। वो मेरी बेटी है, जो सोचती है ना कर गुजरती है। ये तो तुम ठीक कह रही हो, जो सोचती है वो कर गुजरती है। जनरल। ऐसे यू नो व्हाट, ये पहली बार है कि हमारी फैमिली में से कोई आर्मी में गया। हाँ तुम देखना, जब वो जनरल बनेगी ना तो लोग हमको कंधों पर उठाकर घूमेंगे। अगर हम तब तक जिंदा रहे तो, और तुम्हारी मेरी उम्र में तो यूं भी खासा फर्क है। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लोग हमको कंधों पर उठाकर फिरेंगे, हो सकता है कि उस उम्र में हम चलने फिरने के काबिल ना हो। तोहफा है भाई। माजबीन का फोन। माजबीन का क्या कह रही है, वापस आने का तो नहीं कह रही? हेलो हेलो डैड, प्लीज आप जल्दी वापस आ जाएं। मुझे तो पता भी नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है, कुछ भूल गई तो प्लीज भिजवा दीजिएगा। बेटे फिकर नहीं करो, कुछ भूल गई तो फोन करना, हम भिजवा देंगे, नो प्रॉब्लम। फोन तो वो लोग ले लेंगे, लिखा भी था उन्होंने। हाय तो फिर हम तुमसे रابطہ कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता कैसे करेंगे रابطہ। एक दफा फिर सोच लो। नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था, इट्स योर डिसीजन, डेफिनेटली योर डिसीजन। I am Sergeant Sheryar and this is your drill staff Shahid Afridi. आप इन्हें स्टाफ कहकर बुलाएंगी और ये आपको मैडम। आप लोग कायद गेट की इस घड़ी पर टाइम नोट कर लें और जिस दिन आप लोग पास आउट होंगे उस दिन भी टाइम नोट कर लें, क्योंकि इसके बीच आप लोग की जिंदगियां बदलने वाली हैं। मैं आप लोगों को पुलिस सिराज तक लेकर जाऊंगा और वहां से कमनी लाइंस तक आप स्टाफ के साथ जाएंगी और फिर आप लोग सेटल हो जाएं और डिनर के टाइम कॉल इन होगा। ये पुलिस सिराज क्या है? पीएमए के इस ब्रिज को पुलिस सिराज कहते हैं। आपके पास एक लास्ट चांस है, चाहें तो अभी वापस चली जाएं। लेकिन एक बार जो इस ब्रिज की दूसरी तरफ चला गया उसके पास वापसी का कोई दूसरा रास्ता नहीं। कितनी क्यूट बातें करता है। कहाँ पुलिस रात और कहाँ ये ब्रिज, लगता है इसने इस्लाम में आदमी पढ़ी। हो सकता है इसने पढ़ी हो, हमसे ज्यादा पढ़ी। भाई साहब जल्दी चला। आप पीछे मुड़ के क्या देख रही हैं? आपने जो पीछे मुड़ के देखा वो पत्थर तोड़ देता। सामने देखा मैडम। हाय अल्लाह, इतनी ऊंची आवाज कहां से निकाली है इसने? मेरा तो त्राही निकल गया शायद अफरीदी की आवाज सुन के। तो आप मुंह क्यों चला रही है? चिंगम खा रही हूँ। मैडम ये पी मरोगे, यहाँ पे कुछ चीज खाने पीने की अलाउड नहीं है। बंद कर ले चिंगम, यहाँ पे फेंकने अलाउड नहीं है। मैडम हाथ में रखे इसको। Thank you.
ये पी मरोड़ा नाइट एंड शॉपिंग मॉल। मैडम आप क्यों हंस रही हैं? चलो चला। मैडम आपके पापे छले हैं, जॉब से चले नहीं जा रहा। मैडम इस रफ्तार से तो हम कल सुबह पहुंचेंगे कमली लंदन। दे चले पीडमार्ट। लोग आप सामने देखे तो ये मैडम से क्या कर रही है? क्यों देखे नहीं देख? अगर ये चल नहीं सकती तो डबल शुरू करवा दे। राइट सब शाम चलिए आज सब चले छोड़। मैं पट्टे कौलू क्यों? वही जो उल्लू का पट्टा होता है। मैडम आप मीना बाजार में नहीं है, पाकिस्तान में इंटरेक्शन भी है। खामोश जी। I'm Nithni Pillai. I'm Arzu Daniel. And I'm Saida Sidra. ये इतनी ऊंची बात क्यों कर रहे हैं? आराम से भी बात कर सकते हैं ना ये? मैडम आप क्यों बैठी हुई है? दो मिनट सांस ले रही हूँ भाई अभी। मैडम मैं आपका भाई नहीं स्टाफ हूँ और ये सांस लेने की जगह नहीं है, कमली लाना चाहिए मैडम। बहनों में बड़ी ना होती ना तो यहाँ से भाग जाती हूँ। वेलकम टू पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। आई एम मेजर सामिया, मैं आपकी प्लाटून कमांडर हूँ। आप लोग अगले 6 महीने इसी जगह पर रहेंगे। अभी आया जी थोड़ी देर में आपको आपके कमरे दिखा देंगी और बताएंगी कि कौन सी दो लड़कियाँ किस कमरे में रहेंगी। आर वी क्लियर? लाउडर। यस मैम। ऑल राइट, लेकिन सबसे पहले हम आपके सामान की चेकिंग करेंगे। आप लोग अपने बैग्स खोलेंगी और मैं बारी बारी सबका सामान देखूंगी। इधर तो आवाज भी बदल गई इनकी और अंदाज भी। हाय मेरे अल्लाह, ड्रामो वाली बात ही ना हो जाए हमारे साथ इधर भी। ये क्या है? मैम ये हील्स हैं। ये तो मैं जानती हूँ, पर आप यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो पहनूंगी उन पे मैं। कौन से फंक्शंस पर? कौन सी कैटवॉक करनी है आपने?
मगर वीकेंड्स पे तो हुआ करेंगे ना, कोई सोशल गैदरिंग कुछ, तो इसीलिए लेके आई। यहाँ सोशल गैदरिंग्स पर ये चीजें नहीं पहनी जाती। और ये क्या है? मैम ये तो जरूरत की चीजें हैं। मसलन आई शैडो है, हेयर मास्क है, सीरम है, नेल पॉलिश है, मॉइस्चर। इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी आपने? मेकअप लाने से मना किया था। लेकिन मैम ये तो बेसिक मेकअप है। ये हेयर जेल, सीरम, ये बेसिक मेकअप है। ये हेयर मास्क, ये भी बेसिक मेकअप है। आया जी ये भी निकालें। और ये आपका हेयर स्टाइल, ये यहाँ नहीं चलेगा। यू हैव टू टाई योर हेयर इन अ बन। आई डोंट वॉन्ट टू सी अ सिंगल स्ट्रैंड आउटसाइड। अप्लाई ग्रीस इफ यू हैव टू। आर यू क्लियर? यस मैम। ऑल राइट। इनका सामान चेक हो गया? जी मैम सब ठीक है। ओके आप जाएं। एक दफा तुम्हें डर गया था कहीं वापस जाने का ही ना कह दे। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऐसे एक बात है, तुमने देखा आर्मी का डिसिप्लिन, व्हाट ए डिसिप्लिन। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ। दो सूटकेसेस में आता ही क्या है, वो 6 महीने कैसे गुजारेगी वहाँ? पर खैर आती जाती रहेगी, ले जाया करेगी अपना सामान। फिक्र नहीं करो, इस्लामाबाद से अहमदाबाद कितना दूर है, कार पकड़ना और आ जाना मिलने। हाँ ये तो है। फिर से मुझे मिल। हेलो बेटा। मम्मा ये मेरी सारी हील्स, मेरा मेकअप, मेरी चुनरी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ चलो। नहीं नहीं, the decision is Majibin, it's hers. It's okay. Oh, मैम आपसे वो बात करनी थी। जी। वो मैं गाड़ी कंपनी लाइंस के बाहर पार्क कर दूँ? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? गाड़ी किस लिए? कहीं बाहर आने जाने के लिए। अकेडमी इतनी बड़ी है, गेट से कंपनी लाइन तक जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए होगी ना। अभी कैसे आई हैं? चल के। तो बस दो पैरों से अच्छी गाड़ी कोई नहीं होती। नहीं लेकिन कहीं आना जाना हुआ, मार्केट, फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए। कौन सी फ्रेंड्स और कौन सी आउटिंग? आप आई कहाँ हैं? मिलिट्री अकेडमी काकुस। तो आपको लगता है कि आपके पास टाइम निकल आएगा फ्रेंड्स और आउटिंग के लिए? टाइम तो निकालना पड़ता है ना मैम। स्टाफ। यस मैम। मैडम के पास बड़ा टाइम है, जरा इनका बंदोबस्त करें और मेक श्योर करें कि इनके पास टाइम ना निकले फ्रेंड्स और आउटिंग के लिए। ओके मैम। लेकिन ओके मैडम, गाड़ी का क्या करूं?
ये भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मैंने ये 70,000 में करवाया था। तो बस अब आप 170 रुपए की ट्यूब से अपने बाल वापस काले करेंगी। चलें। किसने लगाई है ये सारी चीजें? मैडम मैंने। कहाँ से लेकर आई है आप ये सारा सामान? घर से लाई थी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यही रहोगी मेरे कमरे में? ये सवाल मैं भी कर सकती हूँ। हाँ तो कर लो, किसने मना किया? उसके साथ जाके क्यों नहीं रह रही जिसके साथ ISSB में फिरती रही हो? ये तुम फौज से जाके पूछो, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, दोस्तों के साथ, धोखा देने वालों के साथ। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? कौन सा धोखा, किसने कहा है तुम्हें? ना ही तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ना ही तुम्हारे मुंह लगना है। पीछे हटो। नहीं, इधर आओ, बात करो मुझसे। क्या कह रही हो तुम? Beautiful, isn't it? आपको चेहरा वॉश करके आने के लिए कहा था। जी मैम, बस मैं करके आ रही। वॉश योर फेस राइट नाउ। जी। देखा साबुन से कितना अच्छा धुलता है चेहरा, कोई क्लींजिंग मिल्क भी यूज नहीं करना पड़ता। यस मैम। आया जी, डाई योर हेयर ब्लैक। जी मैम। ये आपका नेचुरल कलर है? नहीं, लेकिन मैंने ये 70,000 में करवाया था। तो बस अब आप 170 रुपए की ट्यूब से अपने बाल वापस काले करेंगी। चलें। Nathmi? Yeah. Do you speak Urdu? No. I'll teach you. I would love to. But your English is so good, you know. I'm impressed. Thank you. Even I can improve my English talking to you. Yeah. You know, I'm a conventarian. So I've always been fluent in English. I see. See, now you look like a soldier.
तक रोती रहोगी इस तरह? Shut up. You shut up. मैं हमदर्दी कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम सर पे चढ़ रही हो. मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है. मैं इस जगह से जल्दी निकल जाऊंगी. मैं कल ही अपने पेरेंट्स को कॉल करूंगी. जैसे मुझे बड़ी परवाह है तुम्हारी. क्यों सुन रही हो? तौलिए, तकिए, चादरें, तकियों के खिलाफ तक मैं सब कुछ घर से लाई थी. सारी चीजें निकाल दी कि नहीं वही इस्तेमाल होगा जो सबको इशू होगा. पता है नूर, मुझे ना पक्का यकीन है कि ये जो चादरें हैं ना, ये भी किसी चर्बी वाले साबुन से धोई होंगी. सूंघ के देख लो. तो धुल तो गई है ना? हाँ, लेकिन अब ये थोड़ी ना पता है कि जिस साबुन से धुली है उस साबुन में किस चीज की चर्बी थी. तुम ऐसा करो, ये प्लटून कमांडर से जाके पूछ लो. मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है. प्लटून कमांडर से जाके पूछ लो. पूछूंगी, ऐसा ऐसा सब पूछूंगी. इसकी तो बू उस चर्बी वाले साबुन से भी ज्यादा बुरी है. अब मैं सोऊंगी कैसे इस पे? दरवाजा तो खोल दो. बंद तो तुमने किया था ना, तुम जाके खोलो. ध्यान से जाना. मैडम, दरवाजा बंद करने की इजाजत नहीं है यहाँ पे. दरवाजे खुले रहते हैं यहाँ, कोई भी किसी भी वक्त अंदर आ जाए. कोई भी किसी भी वक्त अंदर आ जाए तो प्राइवेसी कहाँ गई? ये क्या है, कहाँ रखी थी आपने? मैं फिर भी देख लेती हूँ. और हाँ, आपको पल्टून कमांडर बुला रही है, कंपनी लाइन का टूर कर रही. कितना टूर करवाना है उन्होंने? जूती का है मैम. वो एक कैल्सी की कोई चीज गुम हो गई है. क्या चीज़? पता नहीं, कुछ प्राइसी, प्राइवेसी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया. ये कौन सी एलसी है जिसकी प्राइवेसी गुम हो गई है? एलसी मैजबीन. मैं ढूंढ के देती हूँ, आने दें आप उसको. आप जाएं सारी एलसीज को फॉलोइंग के लिए कॉल करें. क्यों नूर, कैसा लग रहा है? मॉल बना लिया मैंने कि नहीं? ये तुम लेकर कैसे आई? अपने सामान में.
पर सामान की तो चेकिंग हुई थी ना, तुम्हारी चीजें निकाली नहीं किसी ने? आया जी ने ली है तलाशी मेरे बैग की। मैंने भी ना ऐसे सही तरीके से छुपा के रखा था सूटकेस में, तलाशी ली उन्होंने, नहीं मिला उनको। और बेटा सईदा सिद्रा अगर कुछ छुपाए, पूरी दुनिया भी अगर उसको मिलके ढूंढ ले ना, तो नहीं ढूंढ सकती। पर ये जो बाहर पीएमए में फूल खेल रहे हैं ना, इन पे मेरी फुल नज़र है। एक एक फूल तोड़ के लाऊंगी और कमरे में लगाऊंगी, ऐसी खुशबू होगी ना, सब सेट हो जाएगा। ये इजाज़त है ये सब करने की इधर? सईदा सिद्रा कर तो रही है सब कुछ, अभी तक किसी ने कहा है कुछ? मेरे रब्बा, इसे क्या हो? असल में इसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा कि एक एलसी सईदा सिद्रा आम मामूली कमरे को ऐसे गुलगुलजार कर देगी। अब देखना प्लेटून कमांडर आएंगी ना, तो कोई सफाई सफाई वाला अवार्ड हुआ सीधा मेरे हाथ में। एलसी माजबीन फॉल आउट। कमरे को आपने कुंडी लगाई थी क्या? मैंने नहीं, तो वो शायद खुद लग गई होगी। नहीं, मुझे पता चला है आपको प्राइवेसी की शदीद जरूरत पेश आ रही थी। मुझे नहीं तो मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप में से कोई भी कमरे को लॉक नहीं करेगा, जिसको प्राइवेसी की जरूरत है वो मुझसे आके रابطہ करे। यस मैम। मैडम मैडम, वो एक कैलसी बुरी अजीब गरीब सी चीजें लाइए। चलें। बालों को गया। तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? तो तुम्हारे डाई की फैन थी। आ भी जाओ। सारी चीजें मैडम मैंने। कहाँ से लेकर आई हैं आप ये सारा सामान? घर से लाई थी मैडम। आया सकीना जी मैडम, आपने तलाशी ली थी इनके सामान की? जी मैडम मैंने ली थी, मैंने तो एक एक चीज निकाल ली थी, अभी तो और भी बहुत कुछ लाई थी। ये मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा ये चीजें बच कैसे गई। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, उतारे ये सारी चीजें। जी मैडम। ऊंचा सुनती है? नहीं मैडम। उतारे। ये कमरे में इतनी खुशबू कहां से आ रही है? किसने किया स्प्रे? मैडम मैंने किया, लेकिन स्प्रे नहीं था, डिओड्रेंट था। इतना डिओड्रेंट छिड़क कर आप बाहर जाया करेंगी? नहीं नहीं मैम, वो मैंने अपने पे नहीं किया था, वो बेड और चादर पे किया। क्यों, आपको मुफ्त में मिला है? नहीं मैडम। जिस जिस चीज पर छिड़का है सारी चीजें उतारे, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ये सारी चीजें उतरी होनी चाहिए। जी मैम। और सजाओ कमरे। अब मैं थोड़ी देर में आपको कंपनी लाइंस का टूर करवाऊंगी और बताऊंगी कि कौन सी चीज किस तरह इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज आपके लिए एक्सेसिबल है और कौन सी चीज नहीं। दिस इज माय रूम, आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। आई विल क्लोजली ऑब्जर्व ऑल योर एक्टिविटीज इनसाइड द कंपनी लाइंस, सो बी ऑन योर टोस। इस दरवाजे से बाहर जो कुछ भी है वो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, तब तक जब तक आपको बाहर से बुलाया ना जाए। आप अगले 6 महीनों में इस दरवाजे से तब बाहर जाएंगी जब आपको स्टाफ बुलाएगा, या कोर सर्जन के बुलाने पर, या मेरे कहने पर, किसी सैर सपाटे या चहलकदमी के लिए नहीं। ओए अल्लाह, मेरा तो फिर दम ही घुट जाएगा अंदर। ऐसे ही कह रही है, मुझे पक्का यकीन है लड़कियां फिरती होंगी बाहर। हाँ। इज दैट क्लियर? यस मैम।
यहाँ आप लोग अपनी लॉन्ड्री देंगे और यहीं से कपड़े लेकर जाएंगे। इन तमाम फैसिलिटीज़ के चार्जेस आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे और डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। मैंने तो सुना था फौज में सब मुफ्त मिलता है। फौज में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। तुमने पता नहीं कहाँ से सुनी ये बातें। कैंटीन फर्स्ट 3 टर्म्स में आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है। आपने जो भी चीज़ मंगवानी होगी आप आया जी से कहेंगी, वो आपको ला कर देंगे। फाइनल टर्म्स में आप लोग कैंटीन जा सकते। कैंटीन भी नहीं जा सकती। नहीं, तू तो आगे चल, यहीं पे जम गई है। ये कंपनी लाइंस का फोन बूथ है, लेकिन फर्स्ट टर्म में आप में से कोई इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी कॉल। अंडरस्टूड? यस मैम। इन स्टैंड्स पर डेली आपके यूनिफॉर्म हैंग होंगे। आप लोग नेम टैग पढ़ कर अपना यूनिफॉर्म यहाँ से लेकर जा सकती हैं। बट मेक श्योर आपके यूनिफॉर्म का कोई बटन भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके यूनिफॉर्म पर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए और यूनिफॉर्म की इस्त्री प्रॉपर होनी चाहिए। योर यूनिफॉर्म शुड बी स्पिक एंड स्पैन ऑल द टाइम। यस मैम। अभी हम थोड़ी देर में टेलर शॉप पर जाएंगे। आप लोग अपने यूनिफॉर्म के साइजेस देंगे और फिर आपको यूनिफॉर्म इशू किया जाएगा। यहाँ का एंटी रूम जहाँ आप टीवी देख सकती हैं। लेकिन सास बहू के ड्रामे की बजाय अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव चैनल देखें तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या हमारे लोग टीवी पर पीएमए की परेड देखते रहेंगे? मुझे तो पिछले हफ्ते की किस्तें भी रहती हैं। मैंने तो इतने सीसीटीवी भी नहीं देखा, ना ड्रामे देखे। अब नेटफ्लिक्स नहीं है तो बंद बंद टीवी देख लें। ये किचन आप लोगों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन फर्स्ट टर्म में कोई जंक फूड पिज्जा या पास्ता नहीं। आप लोग वही खाएंगे जो मेस में बनेगा। बट इफ यू वांट टू हैव सम हेल्दी फूड लाइक मिल्क एंड जूस तो वो आप ले सकते हैं। यस मैम। ये जब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दिखा क्यों रही है ये? जलाने के लिए। वैसे अगर यहाँ चूल्हा होता ना मैं कितने मजे का कोई आलू गोश्त बना लेती। आया जी से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। जब आप आया जी से मिलेंगी तो आप इन्हें सलाम करेंगी। Is that clear? Yes, ma'am. अभी थोड़ी देर में कोर्ट सार्जेंट आपको बुलाएगा और डिनर के लिए लेकर जाएगा। उसके बाद आप सब लोग एंटी रूम में आएंगे। We will do another session. Not again. यार मुझे तो सोना है। प्लाटून कमांडर का दिल पत्थर का है। नहीं कंक्रीट का। यानी फिर से सेशन? सुबह से रात हो जाएगी, इनका सेशन खत्म नहीं होगा। मेरी तो अभी से ही बस हो गई है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आ गए हैं आप। यहाँ पे आपको शेर के जैसे भागना है। अगर कोई चोट भी लगे तो किसी मैडम के मुंह से उफ ना निकले। ये मे में शहरयार का नाम सुनकर परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं, दरख्त हिलना भूल जाते हैं। कम से कम 5 साल छोटा है मुझसे, बातें सुन लो उसकी। कहाँ आई हैं आप? पीएमए में हंसना मौत है और मुस्कुराना लानत। खाना सीनियर शुरू करेगा और सीनियर खत्म करेगा। लेडी एज आई एम डन सो यू डन। मेरे पेट से आवाजें आ रही हैं हमारे भूख की। ऐसी माजबीन कौमी तराना दोबारा पढ़ें। सर नहीं आता। अगर आपको अपने मुल्क का कौमी तराना नहीं आता तो आप ये समझें कि आप बगैर किसी आइडेंटिटी के फिर रहे हैं। आज मेरा पहला और आखिरी दिन है पीएमए में आया जी। मैं कल वापस जा रही हूँ।